हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6। महाराष्ट्र बोर्ड का ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है और कम से कम 12 to 15 marks, yes, 12 to 15 marks ऐसे ही चुटकियों में इकट्ठा कर लोगे। जस्ट 2 घंटे की मेहनत में पूरा पूरा काम बेड़ा पार होने वाला है। yes. तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें लेके आते हैं यार, कि हिस्ट्री क्या है। अगर ट्राइंगल की देखी जाए, ट्रिग्नोमेट्री की हिस्ट्री क्या है, उससे पहले मैं इतना छोटी सी बात जानना आपको बताना चाहता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री जो बना हुआ है वो 3 वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, ट्राइगोनिया मेट्रॉन, मतलब 3 गोनिया, मतलब एंगल, मेट्रॉन मतलब मेजर करना, 3 साइड्स के बारे में मेजर करना, उनके बारे में पढ़ाई करना, मतलब ट्रिग्नोमेट्री। तो उनके बारे में पढ़ाई करने को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अगर हिस्ट्री की बात करें तो मेसोपोटामिया अगर देखा जाए, ये सबसे एंशियंट हिस्ट्री है, और वहां से लेकर बेबलोनियन, अलग अलग हिस्ट्री तक, जो इराकियन हिस्ट्री है, इजिप्टियन हिस्ट्री अगर देखी जाए, तो वहां के लोग ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते थे। और अभी उसका एग्जांपल देखा जाए सर, पिरामिड है कि नहीं? लेकिन इनको मालूम भी नहीं था कि ये ट्रायंगल ही है, ये ट्रायंगल ही है। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री का अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट वो लोग जरूर यूज करते थे। जो पिरामिड देखो ना, बाकायदा कितना बेहतरीन इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, सारे ट्रायंगल्स तो दिख जाते हैं, सारे ट्रायंगल वहीं दिख जाते हैं। अगर आप इजिप्ट में जाओगे पिरामिड देखने, तो वहां पर देखोगे कि हर चीज ट्रायंगुलर फॉर्म में, कितना परफेक्ट फॉर्म में रखा हुआ है। तो मतलब वो लोग तो ही जानते थे कि ये एक मैथमेटिक्स का हिस्सा बनने वाला, आगे चलकर लोग ऐसा करने लगेंगे, लेकिन उसका यूज जरूर करते थे बहुत ज्यादा। तो अगर देखा जाए सबसे पहले अगर बात की जाए तो लगभग 190 से लेकर 120 बीसी की बात करते हैं हम लोग, मतलब ज्यादा दूर की बात नहीं है। अगर देखा जाए तो 2200 साल पहले की बात हो रही है ना सर? बिल्कुल सर। 2200 साल पहले एक जिसका नाम था साइंटिस्ट हिपार्कस, है ना? हिपार्कस सर क्या थे? एक ज्योग्राफर थे, ज्योग्राफर, एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन भी थे, तो उनको साइंटिस्ट हम बोल सकते हैं। तो एक मैथमेटिशियन थे हिपार्कस, उन्होंने समझ लो सबसे पहले इसको फाउंड किया, मतलब इसको एज अ मैथ्स नहीं बताया, लेकिन वो फाउंडर ऑफ जो है ट्रिग्नोमेट्री बोले जाते हैं, फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोले जाते हैं हिपार्कस। उनके बारे में विकिपीडिया पे जाओगे, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत अच्छी अच्छी कहानी है इनकी। समझ लो ये सबके पिता है, ट्रिग्नोमेट्री के पिता है, ट्रिग्नोमेट्री के पिता है, सबके काई को पिता है सर। उसके बाद सबके पिता बता देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है कि नहीं? लोग मोबाइल से निकल कर जो है फिर मारेंगे। बिल्कुल। उसके बाद अगर देखा जाए क्रिएटर, अगर देखा जाए ट्रिग्नोमेट्री का क्रिएटर कौन था, कि भाई कौन है जो ट्रिग्नोमेट्री को एज अ मैथ्स यूज किया था, उनका नाम था नसीर अल दीन अल तुसी। ठीक है, ये जो कौन थे, ये 780 सीई सेंचुरी के लगभग 1100-1200 साल पहले सर, 1200 साल पहले 1213-14 मान लो यार, ठीक है लगभग चलता है, तो लगभग 850 मतलब 9 सीई, तो अभी 21st सेंचुरी 1100 साल पहले थे ये नसीर अल दीन तुलसी। ये ईरान के रहने वाले पर्शियन, जिनको बोलते हैं ये पर्शियन थे, इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को एज अ मैथ ट्रीट किया था, एज अ मैथ यूज किया हुआ था। इन्होंने साइन कोसाइन का फंक्शन दिया सबसे पहले, जब हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं ऑपरेशन वगैरह, साइन कोसाइन का फंक्शन दिया था नसीर अल दीन अल तुलसी ने। नहीं, साइन कोसाइन का फंक्शन तो मोहम्मद इब्न अल मूसा दिया था ना सर, इसीलिए जो हमारे पास गिनतियां है 1 2 3 4 5 6, ये अलजेब्रिक जो है लेटर्स है, जो है काउंट है, ये पूरे पूरे कहां के है, ये अरबियन दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है क्या, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारज़्मी। ठीक है, अलजेब्रा ये कौन है भाई, फादर ऑफ अलजेब्रा है, अलजेब्रा इन्हीं को कहा जाता है। कोई आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है भाई कि अलजेब्रा के पिता कौन है, तो वो कौन है, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारज़्मी। और ये जो है इनके बाद नसीर अल दीन तुसी के बाद आए, और इन्होंने साइन कोसाइन फंक्शन भी दिया, कि भाई सवाल ये है कि ट्रिग्नोमेट्री को फिर कैसे पढ़ा जाए। जैसे मान लो अलजेब्रा के अंदर एक्स वाई होता है सर, एक्स वाई 1 2 3 4 होता है, लेकिन कैलकुलस अलग अलग मैथमेटिक्स के अंदर अलग अलग खासियत होती है। लॉग में जाओगे तो लॉग होता है, एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स में अलग चीज होती है। आप बेटा आगे चलकर पढ़ने वाले हो सारी चीजें, लेकिन ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में क्या चीज, क्या मेन चीज रखा जाए, फंक्शन क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो आप, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहता हूँ सर, कि
ये हिपार्कस, नसीर अल्दीन अल-तूसी, मोहम्मद इब्ने मूसा, ये तीनों 70 साल ही जिए हैं सर। अच्छा हाँ, इनकी अगर सही बात है, इनकी अगर एज की बात करें ट्रिग्नोमेट्री में जो जो जिन लोगों ने योगदान दिया वो सबकी एज लगभग 70 ईयर्स में ही डेथ हो गई है। तो ये भाई ये एक मिरेकल बोलो, बिल्कुल मिरेकल, वही मैं सर अभी देख रहा था। हाँ। तो दिमाग में अचानक से आया सर कि ये तीनों की जिंदगी तो 70 साल ही जिंदगी है। हाँ। जो अभी की जिंदगी यानी 2000 साल पहले भी लोग 70 साल ही जिया करते थे, 70 साल भी जिया करते थे। ये सर गिफ्ट सर प्रूफ करना चाहते हैं कि बेटा ये जो आजकल बोल रहे हैं कि आज की उम्र सबकी कम हो रही है, पहले लोग 2-2 साल जीते थे, 2000 साल जीते थे, मतलब तो होता रहा होगा, मैं नहीं इनकार करता हूँ, लेकिन सर कहते थे, सर का कहने का मतलब ये कि 2000 साल पहले भी लोग, देखो ना 3 साइंटिस्ट 70 साल भी जीते थे भाई, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ये नहीं चले जाओ चौकी में इसके लिए केस कर दो कि नहीं किसी एक का हिस्ट्री लेके आ जाओ, ये तो 950 साल जी रहे थे इस्लाम। यस यस, तो अगर सही बात है, तो अगर देखा जाए हिस्ट्री या ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन, सबसे पहले जो हमें पढ़ना है आपके सिलेबस में वो पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन। तो आपके सिलेबस में बेटा एसएससी में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन, और ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन नहीं कुछ है, मेन तो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन का मतलब होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। देखो ऐसे दिमाग में रखो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक है सर, बिल्कुल सर, ठीक है, साइन कॉस टेन और इसको अपोजिट करते जाओ, साइन का कॉसेक, टेन का कॉट और कॉस का सेक, बस बस ये ऑपरेशन है, जैसे एक्स वाई जेड ऑपरेशन होता है। ये मैं बताना चाहता हूँ आपको, डिटेल में बताऊंगा सारी चीजें, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब इसको देखकर डरने की जरूरत नहीं है सर, डर जाते सर, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, फंक्शन नहीं है भाई, मोहमाया है, मोहमाया है, ठीक है। तो वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या पढ़ेंगे कि भाई अगर मान लो कोई राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास, अच्छा एक बात और क्लियर सर, ट्रिग्नोमेट्री में जो भी पढ़ेंगे सब राइट एंगल ट्रायंगल लेकिन ये दोनों अपना रंग हमेशा बदलते रहेंगे, क्योंकि सर ये दोनों गरीब भी तो है, जो गरीब रहेंगे सर हमेशा सताए जाएंगे, ये बड़े हैं, ये दोनों बेचारे हमेशा बदलते रहेंगे, इसीलिए कहा जाता है ना कि गरीब हमेशा क्या होते, सताए जा रहे हैं, इनको रंग बदलना पड़ता है हमेशा। सही बात है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन मतलब यही है, जो इसे जैसे अलजेब्रा में एक्स वाई जेड पढ़ते हो वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। थोड़ा दिखने में अजीब लगता है लेकिन आपको धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा मजा आएगा, बिल्कुल इससे ज्यादा मजा आपको कहीं नहीं मिलेगा। सबसे इजी अगर कोई कहा जाए दुनिया का मगर बात ट्रिग्नोमेट्री मैथ में, यस आखिरी इजी है भाई। हाँ सही बात है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग वही पढ़ने वाले भाई, इनमें रिलेशन आपस में देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है बेटा, फार्मूला, कुछ फार्मूला, कुछ रिलेशन निकालेंगे, sin² थीटा + cos² थीटा 1 होता है, sec² थीटा देखो ना + tan² थीटा, cos² थीटा + cot² थीटा, कैसे आएगा मत सिर्फ 2 मिनट में बताऊंगा, तीनों आइडेंटिटी आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, गार्ड मार के रख लेना बस और क्या। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रूफ करेंगे हम लोग, जैसे मतलब जो जो आपके सिलेबस में सबसे पहले वो मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा, जानकारी हो जाएगी। इसका एक्सरसाइज वाइज नहीं होता कि एक्सरसाइज पहले पढ़ो, टोटल मिलाकर यहाँ पर एक ही एक्सरसाइज है ही है सर, सही कि नहीं, 6.1 एक्सरसाइज बेटा, ये पूरा इसी पर डिपेंड है। तो पहले मैं क्या काम करूंगा, कॉन्सेप्ट दूंगा, उसके बाद एक्सरसाइज करा देंगे, बिल्कुल। तो ये उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर स्पेसिफिक एंगल बताएंगे भाई कि साइन 0 बराबर कितना, साइन 30 बराबर कितना, सर जादू बनाएंगे आपके इसी उंगलियों से, ये बता रहे हो, ये 5 उंगली दिख रही है, इसी 5 उंगली से बता दूंगा साइन कॉस टेन से कॉस टेन जितना भी एंगल है 0 से 90 तक खेल जाओगे। तो साइन 30 बराबर कितना होता है, साइन 90 बराबर कितना होता है, सर ये उंगलियों से 5 उंगलियों से बताएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी, रामबाण कह सकते हैं, रामबाण, यस। तो ये ट्रिक बताएंगे, ट्रिक से पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, टेंशन मतलब बिंदास रहना, ठीक है सर। सबको मैंने देखा, सबको प्रॉब्लम होती है 0-30 कितना होगा, इसके लिए रामबाण तरीका है, लर्न कर लेना, दिमाग खत्म, बवाली खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये सर बताएंगे इसका तरीका, और यही इतना आपका एक्सरसाइज 6.1 के लिए एनएफ है, एनएफ है 6.1 में, इससे हटकर कुछ नहीं आएगा, पूरा पूरा कहानी खत्म कर देंगे। उसके बाद आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां करते हैं, एप्लीकेशन। अब मैं एक बात बता दूं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप ऑलरेडी पढ़े हो अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम में, अपोलोनियस थ्योरम में आपने पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे किया जाता है, यहां तक कि हाइट एंड डिस्टेंस
ये क्वेश्चन भी किए, तो आपको ये टेंशन नहीं होने वाला एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए आपको मैं रिमाइंड करा दूं, महाराष्ट्र बोर्ड आपने उसमें एक क्वेश्चन पढ़ा था कि दो दीवार है, एक लैडर है, यहाँ घुमा रहा है, ये बेस पूछ रहा था कि दोनों दीवार के बीच में दूरी कितनी सही है, सही, वो इसी का क्वेश्चन था, यही इसी का क्वेश्चन था। लेकिन क्या है, वहाँ भी उसका यूज था, यहाँ भी इसका यूज है, क्योंकि वहाँ पाइथागोरस थ्योरम था, यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम है। यस, बताया हमने आपको कि कहीं इनको जहाँ जहाँ मौका मिला है वहाँ ये घुस गए पाइथागोरस, तो वहाँ भी वो बताना चाह रहे थे कि यहाँ भी हम है। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, और ये जो एक्सरसाइज होगा बेटा ये 6.2 होगा, और उसके बाद सीधा सीधा बोरा क्या है, बोरा बैग का रख के निकल जाना मार्केट में, बस काम खत्म हो जाएगा, निकल जाना ऐसे ही गारंटी के साथ। कोई है जो क्वेश्चन देगा एसएससी बोर्ड का? बिल्कुल कोई है जो क्वेश्चन देगा डायरेक्ट गारंटी से? कहीं नहीं मिलेगा आपको, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अगर जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आपने पढ़ लिया, महाराष्ट्र बोर्ड के जो बोर्ड में जाओगे आपको तो लगेगा क्या क्वेश्चन दिया यार, ये सब तो हमारी आंखों के सामने से गुजर चुके हैं, वरना भैया की तरह लेके निकलोगे एकदम रिवॉल्वर लेके, ठीक है। तो इसलिए बिन्दास रहो, तसल्ली रखो, धैर्य रखो, शांति बनाए रखो। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं 1/1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन मतलब साइन कॉस टैन कॉस सिर्फ लिखना है, या रेशियो से स्टार्ट करते हैं सारी जो आपके सिलेबस में है, और 1/1 पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर एक्सरसाइज के साथ पूरा होगा खेला। यस सर, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, इसको मिटा देते, काय को टाइम पास करें यार।